मॉम, थोड़ा सा नाश्ता ही करूंगी, प्लीज जल्दी करना, मुझे लेट हो रहा है। वैसे क्या बनाया है खाने में? तुम्हारी फेवरेट खीर। वाह मॉम, क्या बात है, आज बेटी पे इतना प्यार। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हारे कॉल सेंटर में छुट्टियां नाम की चीज होती है कि नहीं? कब तुम्हें छुट्टी मिलेगी? पता है वो अहमदाबाद वाली मौसी, उसकी बेटी भारती की शादी में हमें जाना है कल। वो भारती जो 12वीं में 2 बार फेल है, उसे कब लड़का मिल गया? वो तो 1 नंबर की ढक्कन है। वो सब छोड़, ये बता तुझे छुट्टी मिलेगी कि नहीं? बाबा, ले लूंगी छुट्टी। और हाँ, तुम्हारा स्कूटर कब ठीक होगा? कब तक ऐसे ऑटो में जाओगी? आजकल जमाना बहुत खराब चल रहा है और इतनी रात को तो हम किसी का भी भरोसा नहीं कर सकते। गैरेज वाले भैया ने बोला है परसों तक हो जाएगा। और ये नाइट की जॉब कब तक चलेगी? दिन की करवा लो। बस कुछ दिन और, फिर बॉस ने बोला है दिन की जॉब हो जाएगी। ओके मॉम, मैं निकलती हूँ, ऑटो जल्दी नहीं मिलते फिर मैं लेट हो जाती हूँ। अच्छा ध्यान से जाना, ठीक है, और पहुँचते ही कॉल कर देना। कर दूंगी, बाय बाय। ओ हीरो, कल अपने लफंगे दोस्तों के साथ चले मत जाना कहीं घूमने, कल हमें अहमदाबाद जाना है। क्यों चैप्टर, मजा आया कि नहीं पार्टी में? 1 नंबर थी, मजा आ गया। मेरे साथ रहोगे तो लाइफ को रॉक बना दूंगा, और अगर दूसरों के साथ रहोगे तो लाइफ बिना वजह ठुकाई करेगी। हमरे जैसे फटी चोरों की लाइफ तो आप जैसे रईस जादो की औलाद ही रॉक बना सकती है, क्यों? ये पैसाला नहीं आया, आया होता ना मजा आ जाता। उसको लड़कियों वाली पार्टी चाहिए, और उसके मेरे पार्टी में ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है भाई। ऑटो, हमारे पिताजी ना हमसे कहा करते हैं कि बेटा जिंदगी 2 पल की होती है, उसे जी भर के जी लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी लाश को कब्र में दफना के लोग उस पे पान की पीक मार के निकल जाते हैं। आकाश उधर देख। क्या हुआ? Stop the car. पीछे ले। मैडम जी, कहो तो छोड़ दे। पीछे की सीट खाली है।
भाई अकड़ है इसमें। गाड़ी आगे ले, इसकी अकड़ हम तोड़ते हैं। मैडम जी, आप शायद मुझे जानती नहीं है, हम यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन चौधरी जी के लड़के हैं। हमें इतना भी बुरा मत समझिए। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, और अगर ज्यादा बदतमीजी की तो सीधा पुलिस को फोन करूंगी। चलो करो कॉल पुलिस को, मैं भी तो देखूं कहां तक आते हैं ये तुम्हारे ठुल्ले। मुझे जाने दीजिए, चाटा मारा उसके लिए आई एम सॉरी। माफी नहीं, चाटे का जवाब कैसे देते हो मैं तुम्हें बताता हूं। तुमने जरा सी भी होशियारी की तो इस गोली से तेरा पेजा उड़ा दूंगा। चुपचाप कार में बैठ। प्लीज मुझे जाने दीजिए, इस बार गोली तेरे पेजे के पार जाएगी। चल चल कार में बैठ। भाई इसको लेके कहाँ जाएंगे? तेरे बाप की शादी में। बे चूती है, लड़की है, कहाँ लेके जाएंगे? कार्तिक उस जगह पर ले चल। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जॉब पर जाना है। चैप्टर अभी को कॉल लगा, पार्टी चाहिए थी ना उसको लड़कियों वाली, दिलाते हैं उसको उस जगह पे बुला। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझसे गलती। अभी आकाश की पार्टी में तो नहीं आया, लेकिन तुझे लड़की की पार्टी देते हैं। आकाश की उस जगह पर पहुंच। हाँ अभी जल्दी। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे जॉब पर जाने। चलो जॉब पर चलो। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे घर जाने, प्लीज मुझे जाने दो मुझे, प्लीज। अबे चुप। प्लीज मुझे जाने, प्लीज मुझे घर जाने। आकाश कोई फंसने वाली तो बात नहीं है ना? मैं हूं ना,
और वैसे भी कोई हमारी पार्टी में आए या ना आए, हम उसका ख्याल तो जरूर रखते हैं। तुझे तो पता है ना मुझे कैसी पार्टी पसंद है। ये सब छोड़, जा, लड़की अंदर है, कुछ नहीं करेगी, जो होना था वो हमने कर दिया है। कल अपने लफ्फों के दोस्तों के साथ चले मत जाना कहीं घूमने, कल हमें अहमदाबाद जाना है।